देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पर अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, भारत सरकार ने 8 कैबिनेट कमेटियों का दोबारा से गठन किया है और इन कमेटियों में आपको बता दें कि इन कमेटियों में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं। आपको बता दें कि इस दौरान अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट का कंपोजिशन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास रहेगा और इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन का कंपोजिशन गृह मंत्री अमित शाह, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें विशेष तौर पर जितेंद्र सिंह और साथी हरदीप सिंह पुरी को भी शामिल किया गया है।